गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, बिकॉज नाइट्रोजन साइकिल इज ए पार्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? एक नेचुरल पाथवे है जिससे होकर के जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व या यौगिक हैं उनका सर्कुलेशन होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के थ्रू। हम इस हमारे पर्यावरण में जो बायोटिक जैविक और अजैविक कारक हैं उनसे होकर के जीवन के लिए जो आवश्यक रसायन है तत्व या यौगिक उनका क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, उनका साइक्लिंग होता है और इसी साइक्लिंग को हम लोग कहते हैं क्या? बायोजियो केमिकल साइकिल। और इसी में से एक साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का पढ़ना हमें जानना इसलिए आवश्यक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक यौगिक है, जो हमारे कोशिकाओं का एक मुख्य कंपोनेंट है, उसका एक हिस्सा है। जैसे मान लेते हैं कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन। बगैर नाइट्रोजन के ना प्रोटीन का और ना न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए हमें नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानना है। नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग देखेंगे कि कैसे नाइट्रोजन अपने विभिन्न रूपों में होकर के विभिन्न रूपों से होकर के एक जगह से दूसरे जगह पर, मतलब क्या होता है कि इसके ये अपने विभिन्न रूपों में कन्वर्ट करता है और ये इसका स्थान परिवर्तन जैविक और अजैविक फैक्टरों से होकर ये गुजरते रहता है। ठीक है, कभी नाइट्रोजन गैसियस नाइट्रोजन के रूप में तो मौजूद है ही, कभी नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनिया के रूप में, तो इन सारे रूपों से होकर के इसका सर्कुलेशन दो जगहों से जैविक से और अजैविक कारकों से होकर के चलते रहता है और इसी सर्कुलेशन को साइकिलिंग को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह जो नाइट्रोजन साइकिल है कैसे हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में कैसे इस नाइट्रोजन का साइकिलिंग होता है। आइए देखते हैं हम लोग इस फिगर द्वारा कि ये एक पूरा नाइट्रोजन का साइकिलिंग है। इसमें हम लोग पूरे नाइट्रोजन के साइकिल को 5 स्टेप में बांटे हैं, हमारे पढ़ने में सुविधा हो, जानने में सुविधा हो, इसलिए हम लोग इसको 5 स्टेप में बांटे हैं। फर्स्ट स्टेप इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड स्टेप इज द नाइट्रिफिकेशन, थर्ड इज द एसिमिलेशन, फोर्थ इज द अमोनिफिकेशन एंड फिफ्थ इज द डीनाइट्रिफिकेशन। अब हम लोग शुरू करते हैं शुरू से नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, इतना तो हम लोग जानते हैं कि हमारे एयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है इन फॉर्म ऑफ गैस। गैसियस नाइट्रोजन जिसे हम लोग N2 कहते हैं, ये हमारे एयर में 78% मौजूद है, बट दिस 78% नाइट्रोजन इज यूजलेस फॉर अस या और फॉर एनी लिविंग बींग्स। किसी भी जीवों के लिए क्या है ये? यूजलेस है। जैसे हम लोग के कहावत जानते हैं ना, समुद्र में रहकर प्यासे रहना, हाँ वही हाल है जीवों का नाइट्रोजन के केस में। हमारे चारों ओर सबसे एयर में सबसे अधिक क्वांटिटी में नाइट्रोजन है, बट दिस नाइट्रोजन इज यूजलेस फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तब क्या होता है, इसी N2, दिस नाइट्रोजन, दिस N2, दिस डाई एटॉमिक गैसियस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एयर, इन आवर एनवायरमेंट। सो क्या होता है कि इसलिए इस N2, ये N2 यूजलेस इसलिए है क्योंकि इसमें दो जो एटम होते हैं नाइट्रोजन के, वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी प्रोवाइड करना मुश्किल होता है जीवों के लिए बार बार। ठीक है, तब क्या होता है कि नेचर में ऐसे प्रोसेस हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या फिर ऐसे फिजिकल प्रोसेस हैं जिसके द्वारा इस गैसियस नाइट्रोजन का दूसरे गैस नाइट्रोजन के दूसरे रूपों में कन्वर्शन होता है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं एक एक स्टेप कैसे नाइट्रोजन, फर्स्ट स्टेप इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें क्या होता है, द गैसियस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इंटू द अनदर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन लाइक अमोनिया एंड नाइट्रेट। ठीक है, जो N2 है गैसियस डाइएटॉमिक गैसियस नाइट्रोजन है उसका कन्वर्शन होता है अमोनिया में और इस नाइट्रेट में। ये मेनली तीन प्रोसेस के द्वारा होता है। एक होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब फर्स्ट स्टेप जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक होता है बायोलॉजिकल, दूसरा होता है हैबर प्रोसेस और तीसरा होता है लाइटनिंग। ये तीन, इसको हम फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ये तीन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा N2 का कन्वर्शन होता है अमोनिया में और नाइट्रेट में। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो जिसमें एबिलिटी होती है इस गैसियस नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करने की। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा और कॉमन एग्जांपल है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, एंड दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम। ठीक है, जो दलहनी पौधों के, जैसे मटर या दलहनी पौधों के जड़ों के गांठ में पाया जाता है, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस इज द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस इज द इंडस्ट्रियल कन्वर्शन ऑफ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है इस गैसियस नाइट्रोजन को अमोनिया में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा। एंड थर्ड इज द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस अभी हम बताए हैं कुछ पहले कि दिस N2 इज द एट, दिस N2 मीन्स टू नाइट्रोजन एटम कंबाइन विथ ईच अदर इज ए फ्रॉम ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब आकाश में बिजली चमकता है, लाइटनिंग होता है, तो उसमें बहुत अधिक क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और उस एनर्जी से क्या होता है कि यह N2 जो है गैसियस नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में। ठीक है, तो इस स्टेप में हम लोग देख लिए कन्वर्शन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड नाइट्रेट। नेक्स्ट स्टेप इज द नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट। कन्वर्शन ऑफ अमोनिया, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, ये भी है फर्स्ट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यह भी है फर्स्ट। सेकेंड स्टेप इज द नाइट्रिफिकेशन मीन्स कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ अमोनिया, एंड दिस कन्वर्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप। ठीक है, ये जो होता है पहले NH3 को कन्वर्ट किया जाता है NO2 में, फिर नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में। सेकेंड स्टेप नाइट्रिफिकेशन। ठीक है ना, और ये जो नाइट्रिफिकेशन होता है ये भी कुछ बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। जो नेचर में सॉइल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये उसके द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे इसको कराने के लिए एक बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, दिस कन्वर्ट द अमोनिया इनटू द नाइट्राइट। ये करता है नाइट्रोसोमोनास, एक बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। और एक दूसरा बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट द नाइट्राइट इनटू द नाइट्रेट। ओके, समझ में, दो स्टेप में पूरा हो गया ये नाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नाइट्रोसोमोनास ने कन्वर्ट किया अमोनिया को नाइट्राइट में। सेकेंड स्टेप में क्या किया, नाइट्रोबैक्टर ने कन्वर्ट किया इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में। ओके,
ठीक है, ये सेकेंड स्टेप। और ये भी कौन सा? सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप इज द एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन में दो चीज होता है, या यहां पर जो NH3 बच गया, NH3 अमोनिया और ये नाइट्रेट, दिस टू फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल बाय द प्लांट रूट। ये दोनों चीज अमोनिया, मगर मान लीजिए कुछ अमोनिया बच गया यहां पर, तो ये अमोनिया और नाइट्रेट आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, और ये प्लांट में इनकॉर्पोरेट करके चले जाते हैं प्रोटीन को बनाने में, विटामिन्स को बनाने में, न्यूक्लिक एसिड को बनाने में इसका यूज होता है। माने अभी तक ये इनऑर्गेनिक था, एंड दिस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। जैसे प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, ये सब चीज होता है। तो क्या हो गया, अब ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो था ये यहाँ पर आकर के कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। मीन्स अब ये प्लांट में जा करके वहाँ पर इसने क्या क्या बनाया? प्रोटीन बनाया, न्यूक्लिक एसिड बनाया, ठीक है। तो ये जो मेन कंपोनेंट होते हैं किसी प्लांट के, वहाँ पर जा करके उसमें इनकॉर्पोरेट करके वहाँ पर इन सारे यौगिकों को इन्होंने बनाया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? एसिमिलेशन। तो यहाँ पर इसका भी इंटेक होता है, मतलब ये थर्ड स्टेप हो गया, और ये भी कौन सा स्टेप हो गया? थर्ड स्टेप हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब थर्ड स्टेप इज द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि इस नाइट्रोजन अमोनिया को और नाइट्रेट को जो मिट्टी में सॉइल में मौजूद रहते हैं उसको प्लांट ने अपने साथ वाटर के साथ उसने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब ये दोनों चीज़ कहाँ चले गए? ये दोनों चीज़ चले गए प्लांट में। तो प्लांट में जा करके वहाँ कुछ करेंगे ना, वहाँ जा करके क्या करेंगे? ये प्रोटीन बनाएंगे, ये न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, ठीक है, जो मेक न्यूट्रिएंट्स है वहाँ पर जा करके इसका फॉर्मेशन करेंगे। इसके पहले अभी तक ये क्या था? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन था, ठीक है ना। अब ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में यहाँ पर आकर के कन्वर्ट हो गया, ओके। जब ये प्लांट में चला गया उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? एसिमिलेशन, ठीक है। अब प्लांट में जाने के बाद ये तो प्रोड्यूसर हो गए, प्लांट में जाने के बाद ये कहाँ जाएंगे? एनिमल में। प्लांट क्या लेंगे? प्लांट एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, ठीक है। तो एनिमल क्या करते हैं? इस प्लांट प्रोडक्ट को लेते हैं, तो प्लांट प्रोडक्ट के साथ ये चला गया कहां पर? एनिमल में, ठीक है। दिस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंटर इनटू द बॉडी ऑफ इंटर इनटू द सेल ऑफ एनिमल, माने यहां से प्लांट प्रोटीन जो हुआ है वो चला गया एनिमल प्रोटीन में। अब क्या होता है दिस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या? एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कन्वर्सन ऑफ, अमोनिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्सन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, मीन्स कन्वर्सन ऑफ प्रोटीन और कंपाउंड अदर कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इनटू द सिंपल अमोनिया, ठीक है। अमोनिफिकेशन माने यहां पर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में क्या है, या यहां पर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में नाइट्रोजन है, अब उसको ब्रेक कॉम्प्लेक्स रूप में मौजूद है, कॉम्प्लेक्स जटिल रूप में मौजूद है, अब उस जटिल यौगिक को तोड़ करके सबको तोड़ करके अलग करना है। तो क्या होता है ना कि इस प्रोटीन को, जैसे ये एनिमल है या प्लांट्स है, ठीक है, आफ्टर डिकेइंग प्लांट का या जब एनिमल का,
ठीक है. आफ्टर डिकेइंग ऑफ दिस टू ऑर्गेनिज्म, उसके बाद क्या होता है ना कि ये जो होता है कुछ हमारे वातावरण में कुछ दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, है ना. इसको क्या करते हैं, कुछ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये सेप्रोब्स, यहां पर हम लिखते हैं सेप्रोब्स. कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम, ये क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है ना वो क्या करता है, इस प्रोटीन को या न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करता है, तोड़ता है. जब ब्रेकडाउन करेगा तो क्या होगा, ये इससे सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना, ये सभी अलग हो जाएगा और ये नाइट्रोजन क्या होगा, वातावरण में चला जाएगा, ये अमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, ये अमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो गया. अब क्या होता है, फिर से ये प्रोसेस ऐसे चलते रहता है. अब जो यहां पर नाइट्रेट फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज द डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन इज द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू N2, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू N2, जो एक्स्ट्रा नाइट्रेट यहां पर बच गया, ओके, उसको तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच गए वो क्या होते हैं, कुछ डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, जैसे स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास इज ए बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द नाइट्रेट इंटू द गैसियस नाइट्रोजन, ठीक है, ये हो गया. फोर्थ स्टेप कौन सा हुआ, ये हुआ फोर्थ स्टेप, ये अमोनिफिकेशन मीन्स कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन और अदर यौगिक, अदर कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इनटू द अमोनिया, मीन्स अमोनिया को तोड़ करके अलग करना, ठीक है. इसके बाद क्या होता है ना कि लास्ट स्टेप इज द डीनाइट्रिफिकेशन, ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, दिस नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस नाइट्रोजन और इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए बैक्टीरिया कॉल्ड स्यूडोमोनास. स्यूडोमोनास जो होता है ना इसको कन्वर्ट करके फिर से नाइट्रोजनस गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके ला दिया. मीन्स ये जो नाइट्रोजन यहाँ से चला था, ठीक है ना, वो क्या हुआ, वहाँ से घूमते हुए जैविक और अजैविक फैक्टर से घूमते हुए पुनः अपने जगह पर आ गया, वातावरण में फिर से वो चला गया. यही है आपका नाइट्रोजन साइकिल, ओके, हमको लगता है समझ में आ गया होगा. फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. दिस नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट इन फाइव स्टेप, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्शन ऑफ N2 इनटू द अमोनिया एंड नाइट्रेट, नेक्स्ट स्टेप नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट, ओके. थर्ड स्टेप इज द एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में क्या होता है, इस नाइट्रेट और अमोनिया का एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट से वो कहाँ पर जाता है, एनिमल में जाता है, थर्ड हो गया. फोर्थ स्टेप क्या है, अमोनिफिकेशन, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उससे NH3 का बनना, ये कहलाता है अमोनिया का बनना, ये है अमोनिफिकेशन. फिर क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन, एक्स्ट्रा नाइट्रेट को कन्वर्ट करना अगेन N2 में, गैसियस नाइट्रोजन में, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोमोनास बैक्टीरिया. हमको लगता है समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो आप मेरे व्हाट्सएप पर अपना प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे, ओके, थैंक्स.